नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज हिंदी। बॉलीवुड की तरफ से आई बहुत ही बुरी खबर। यूट्यूबर राहुल वोरा का हो चुका है निधन। 35 साल के राहुल वोरा कोरोना वायरस से संक्रमित। मौत से एक दिन पहले तक वे लगातार सरकार से मदद मांगते रहे। शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को टैग करके अपनी बेबसी जाहिर करते हुए लिखा था कि अगर उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाता तो वे बच सकते थे। राहुल ने यह भी लिखा था कि वे हिम्मत हार चुके हैं लेकिन जल्दी ही अगला जन्म लेंगे और अच्छे काम करेंगे। राहुल वोरा के कॉमेडी और मोटिवेशनल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते थे। राहुल के निधन की पुष्टि थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौर ने सोशल मीडिया पर की। रविवार को की गई पोस्ट के मुताबिक शनिवार को राहुल को दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल से द्वारका स्थित आयुष्मान हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था लेकिन उन्हें बचाने की सभी कोशिश नाकामयाब रही। शनिवार शाम कई सोशल मीडिया पेज पर राहुल गांधी के लिए अफवाह वायरल की गई थी जिसमें उनका खंडन उनकी पत्नी ज्योति तिवारी ने किया था। ज्योति ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि उनके पति के बारे में झूठी खबर नहीं फैलाएं, वे जल्द से ठीक होकर घर वापस लौटेंगे। राहुल ने 4 मई को सोशल मीडिया पर अपने कोविड पॉजिटिव होने की खबर दी थी। उनके मुताबिक वे इससे भी 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती थे और कोई भी रिकवरी नहीं हो रही थी। उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता जा रहा था और कोई भी उन्हें देखने वाला नहीं था। राहुल की पोस्ट के मुताबिक मजबूर होकर उन्हें सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगानी पड़ी थी क्योंकि उनके घर वाले के हालात को संभाल नहीं पा रहे थे। तो ये थी बुरी खबर बॉलीवुड की तरफ से आने वाली। और ऐसी ही बड़ी खबर देखने के लिए वोकल न्यूज जिंदगी को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।